के लड़की को मैं एक माता पिता को मैं जानता हूं, वो गांव के रहने वाले माता पिता थे। एक लड़की थी, कोई नहीं था, ना बेटा था ना दूसरी लड़की थी, एक लौती बेटी थी। माता पिता बेचारे गांव से, ऐसे ही कोई गांव था जैसे आपका गांव है, ऐसे ही गांव से वो अपनी बेटी को लेकर बड़े शहर चले गए। वहां उसके पिता ने रिक्शा चलाना शुरू किया, दो पैसा बचाए और अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे कॉलेज में वो पढ़ाना चाहता था, बड़ा बड़े पद पर ले जाना चाहता था। उस बाप के, उसकी माँ के बड़े बड़े सपने। माँ बर्तन धुलती घर घर जाकर, बाप रिक्शा चलाता, पैसे इकट्ठे करते और बेटी को अच्छे से अच्छा पढ़ाते, उसकी हर जरूरतें पूरी करते। एक दिन उस लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं, बिल्कुल आंखों देखी घटना। जिस लड़की ने ऐसा किया, उसकी माँ ने ये बात मुझे रो रो करके बताई थी। सालों हो गए, ये सच्ची घटना एक माँ के साथ घटी, वो मैं आपको सुना रहा हूं। एक माँ जो सबके घर बर्तन धुलने और झाड़ू लगाने जाती, दो पैसे बचाकर बेटी को पढ़ाती, एक दिन लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। माँ ने पूछा, माँ को शक हो गया, जब वो फोन पर बात करती ना तो माँ को लगा कि मेरी बेटी का लगता कोई चक्कर है। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या है, तेरे को कोई लड़का पसंद हो तो बताना, हम तेरी शादी करा देंगे, लेकिन तू हमें छोड़ के भागना मत। उसने, बेटी ने कहा, माँ मैं कोई ऐसी लड़की थोड़ी हूँ जो आपको धोखा देकर चली जाऊंगी, ना माँ बाप को विश्वास, अच्छा माँ बाप को अपनी औलाद पर ही तो सबसे ज्यादा विश्वास होता है, बताओ माँ बाप को विश्वास किस पर ज्यादा है? अरे अपने बच्चों पर ही तो विश्वास होता है, और होता किस पर है? तो माँ बाप को विश्वास था कि मेरी बेटी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। अंत में क्या हुआ, उस लड़की ने जिस लड़के से वो प्यार व्यार करती थी, उस लड़के के साथ भाग गई। जबकि माँ बाप बड़े भोले थे, सीधे थे, कहा था बेटी बताना, पर उसे लगा कि मैं बताऊंगी तो माँ बाप विरोध करेंगे, पर मैं तो प्यार करती हूं इससे, इसके बिना रह नहीं सकती। जिस माँ बाप ने तुम्हें जी जान से प्यार किया, क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा कि वो माँ बाप तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम्हें उस लड़के का तो ख्याल है कि मैं इसके बिना और ये मेरे बिना कैसे रहेगा, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। वो लड़की भाग गई। अब वो माँ मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज मैंने इतने सपने संजोए, अब मैं क्या मुंह लेकर गांव जाऊं, गांव जाऊंगी, ताने मारते हैं गांव वाले, लो बड़ा बेटी को पढ़ाने गई थी, भाग गई तेरी बेटी, सारा गांव ताने मारता है। ऐसे में क्या होता है कि एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा सपना देखते हैं, और जब वो बेटी भाग जाती है ना, तो जो 10-20 माता पिता और होते हैं वो अपनी बेटी को उसी नजर से देखने लगते हैं कि कल को कहीं हमारी बेटी तो नहीं भाग जाएगी। ऐसे में कुछ माँ बाप इस डर से अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं कि तुम्हें चूल्हा ही तो फूकना। अरे हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी बने, लेकिन कुछ बेटियों की गलती के कारण जो माँ बाप का विश्वास तोड़ देती हैं, तब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह एक लड़की जब गलत निर्णय लेती है तो और सारे माँ बाप भी अपनी बेटियों को उसी नजर से देखने लगते हैं कि कहीं मेरी बेटी भी तो नहीं मुझे धोखा दे देगी। इसलिए कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी हर बेटी की है, हर भारत की बेटी की, कि यदि माँ बाप ने आप पर विश्वास किया है तो प्राण चले जाएं तुम्हारे, पर माँ बाप के विश्वास को मत जाने देना। माँ बाप के विश्वास की रक्षा करना ये बेटी का धर्म है या नहीं? जोर से, यदि माँ बाप का धर्म है बेटियों को पढ़ाना, तो बेटियों का भी धर्म है कि वो अपने माँ बाप के विश्वास की
रक्षा करें। बताओ ये बात सही है या गलत है? माँ बाप के विश्वास की रक्षा कौन करेगा? बेटा करेगा, बेटी करेगी। तुम ऐसा कोई गलत काम ना करना कि तुम्हारे माँ बाप को शर्म से सिर झुकाकर चलना पड़े। कुछ ऐसा पढ़ लिख जाना मेरी बहनों, कुछ ऐसा कर दिखाना कि आपके माँ बाप गर्व कर सकें कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना। हाँ, एक गीत तो सुना होगा, प्यार व्यार का ज्यादा लफड़ा ना पाला करो। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें कोई आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू से वापस कर दिया कर, ये ले तेरा आई लव यू रख। हम तेरे से नहीं, हम अपनी पढ़ाई से प्यार करते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे। तुम्हें लड़का पसंद आए तो अपने माँ बाप को बताओ, योग्य लड़का है तो लड़की का विवाह करा दो। माँ बाप से कह रहा हूं, यदि तुम्हारी बेटी को कोई अच्छा लड़का पसंद है तुम उसका देख लो, पूरा बायोडाटा चेक कर लो, बैकग्राउंड चेक कर लो, अच्छा है तो करा दो। यदि अच्छा नहीं है तो समझा दो अपनी बेटी को कि बेटी ये सही नहीं है। विवाह कहाँ होना चाहिए? हमारे यहाँ व्यवस्था बनी है, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में होना चाहिए, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्र का विवाह शूद्रों में। विवाह की ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कहें महाराज जी किसी से भी प्यार कर लें ना, किसी से प्यार करने के साइड इफेक्ट क्या है, नुकसान क्या है, जरा समझो। ब्राह्मण एक विचारधारा है, क्षत्रिय एक विचारधारा है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक हिंदू लड़की है एक मुसलमान लड़के से विवाह कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण के तौर पर ये बात आपको समझा रहा हूं, अभी इसका रिएक्शन क्या होगा जरा समझिएगा। एक हिंदू लड़की है। अच्छा, हिंदुओं के घर में क्या होता है? ओ भैया, ओ हेलमेट वाले भैया, ओ सरकार, जाओ जल्दी या बैठ जाओ, जाओ या बैठो, खड़े ना रहो। सुनो एक बात बताओ, हिंदुओं के घर में गाय को क्या माना जाता है? जोर से बताना, हिंदू लड़की गाय को क्या मानती है? कौन? गाय हमारी, गाय हमारी माता है। हिंदू लड़की, जैसे कि हिंदू लड़की गाय को माता मानती है, गाय की पूजा करती है, लेकिन मुसलमान गाय को काट करके खा जाता है। अब जो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से विवाह करती है तो तुमने तो कल तक गाय की आरती उतारी है, अब मुसलमान की बहू बन के चली गई तो कल को वो गाय तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करेगा, तुम्हारे सामने काटेगा और तुम्हारे सामने मांस निकाल के तुम्हें देगा कि लो पकाओ, और तुम्हें कहेगा खाओ। बताओ, जो गाय को माता मानती थी लड़की, क्या वो गाय का मांस खा सकती है? बोलो। इसलिए कहा जाता है कि गाय को माता मैं मानता हूं तो गाय को माता तुम भी मानो, उस घर में भी गाय को माता माना जाता हो। जब तुम्हारा और हमारा ये विवाह संपन्न होगा तो हमारे तुम्हारे विचार मिल जाएंगे, और विचारों के मिलने से वैवाहिक जीवन सुखद गुजरेगा। अब आपके विचार मिल ही नहीं रहे, तुम गाय को माता मानती हो, वो गाय को काटते हैं, अब बताओ विचार मिले? तो अब वहां विवाह कैसे होगा? इसलिए विवाह वहां होना चाहिए जहां आपकी परंपराएं और सामने वाले की परंपराएं लगभग सेम सेम हो, एक सी हो, थोड़ा 19-20 चलता है। इसलिए ब्राह्मणों की परंपराएं ब्राह्मण लोग समझते हैं, क्षत्रियों की परंपराएं क्षत्रिय लोग समझते हैं। तो क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय घर में जाएगी तो वहां पर उसे कठिनाई नहीं जाएगी,
वैश्य की लड़की वैश्य के घर जाएगी, कठिनाई नहीं जाएगी। शूद्र की लड़की शूद्र के घर जाएगी। हिंदुओं की लड़कियां हिंदुओं के घर जाएंगी। अब हिंदुओं की लड़की मुसलमान के घर जाए तो भैया कितनी कठिनाई आएगी। गाय का मांस तुम कैसे खाओगी? फिर इसलिए कहते हैं विवाह सब जगह नहीं हो सकता। जो लोग सब जगह मनमाने ढंग से विवाह कर लेते हैं, बाद में उनका परिणाम क्या होता है ये देख लो। कितने दिन आपको सुख पूर्वक आपको वो जबरदस्ती मुंह में गाय का मांस ठूसेंगे, खाओ। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लड़कियों से विवाह करते हैं, हिंदू लड़कियों से, और दूसरे देशों में जाकर 2, 5, 10, 20 लाख में वो लड़कियां बेच करके आ जाते हैं। उनका धंधा है, आज तुम्हें फंसाया कल दूसरे को फंसाएंगे, तीसरे को फंसाएंगे। इसी को कहते हैं लव जिहाद। इसी का नाम है तुमसे प्यार किया, तुम्हें तो तुम तो भोली हो, तुम्हें लगा नहीं सारे लड़के ऐसे नहीं होते। नहीं जी, लगभग सारे ऐसे। क्यों तुम्हें किसी से विवाह करना है? जहां मां बाप कहें वहां कर लो, क्या बुराई है? तुम्हें कल को बेच देंगे, कौन जिम्मेदार होगा? जिस देश में तुम्हें बेचा जाएगा, आज भी दुबई, अमेरिका, जापान, लंदन, इन देशों में भारत की तमाम वो लड़कियां हैं जो शादी के बहाने से कुछ लोग उन्हें बेच कर आ गए, और आज भी वो बर्तन धुल रही हैं और उनके शरीर का शोषण हो रहा है। वैश्याओं की तरह उन्हें वहां रखा जाता है। जो तुम बड़ा प्यार में पागल हो जाती हो ना, कितना बड़ा ये गिरोह चलता है हमारे देश में, लड़कियों को फंसाना प्यार के नाम पर और ले जाके विदेशों में हनीमून मनाने के बहाने विदेश जाना, वहां 2, 5, 10 लाख में बेच के आ जाते हैं। कल दूसरी फंसाएंगे, परसों तीसरी फंसाएंगे। उन लोगों के पास तो 4, 5, 6 शादी करने का भी राइट है। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, मेरी मिथिला की बहन बेटियों, आप लोग इस लव जिहाद जैसी बीमारी के शिकार ना हो जाना। प्यार करना है तो जब आपके माता पिता आपकी शादी कर दें तो अपने होने वाले पति से जितना प्यार करना है करना, कौन रोकने आया है? पर प्यार के नाम पर कहीं आपका शोषण ना हो जाए, यदि हुआ तो जिम्मेदार कौन? मां बाप तो 4 दिन रोध होके चुप हो जाएंगे, पर सारी जिंदगी तुम्हारे शरीर को नोचा जाएगा, नुकसान तुम्हारा, चक्कर में ना पड़ना। वो लड़की जिस लड़की के 35 टुकड़े हो गए, उस लड़की ने भी तो प्यार ही किया था ना। इसलिए किसी से भी किया गया प्यार सही नहीं है। हमारे यहां विवाह के पहले कुटुंब खानदान देखा जाता है कि तुम्हारे बाप दादे क्या करते थे, हमारी लड़की के लिए ये घर सही रहेगा कि नहीं। माँ बाप पूरा लड़के का बैकग्राउंड चेक करते हैं ताकि हमारी बेटी के साथ धोखा ना हो जाए। ये माँ बाप की चिंता होती है हर बेटी के लिए। इसलिए कसमे वादे प्यार वफा सब, कोई आपसे कहे प्यार करते हैं ना जी, कह देना हमसे नहीं।